इवनिंग आईपीएल पर हमारी इस खास और बड़ी पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज का दिन महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद खास है, क्योंकि धोनी आज आईपीएल में कप्तान के तौर पर अपना 200वां मैच खेलने जा रहे हैं। मौका और भी स्पेशल इसलिए हो गया है क्योंकि ये मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले चेन्नई टीम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और विवाद इस कदर बड़ा है कि चेन्नई के अपने ही घर से उस टीम को बैन करने की मांग उठने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। धोनी की टीम पर लगेगा बैन। सीएसके पर चेन्नई में बड़ा हंगामा। आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की वो टीम जो चार बार चैंपियन बन चुकी है, जो चैंपियंस लीग तक के खिताब उठा चुकी है, जिस टीम के फैंस दुनिया भर में हैं। लेकिन उसी चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर अब बैन करने की मांग उठने लगी है, वो भी उसके अपने ही घर में। वजह क्या है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स को बैन करने की मांग तमिलनाडु से ही उठी है। जब तमिलनाडु के एक विधायक एसपी वेंकटेश्वरन ने मांग की कि चेन्नई की टीम को आईपीएल से बैन कर देना चाहिए, विधायक ने ये मांग विधानसभा में एक चर्चा के दौरान उठाई। தமிழ் எங்கேன்னு சொல்லி தமிழை தேடி சென்னை முதல் மதுரை வரை ஒரு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார். தமிழர் தமிழ் வளர வேண்டும், தமிழருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சென்னை பேரை வச்சு அந்த அணியில் ஒரு தமிழர் கூட விளையாட்டு வீரர்கள் இடம்பெறாது வருத்தம் அளிக்குது என்று நிறைய மக்கள் தமிழக மக்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டாங்க. அந்த அடிப்படையில் ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு தான் அந்த சென்னை அணி என்ற பேரை வச்சு வியாபாரம் செய்கிறாங்களே ஒழிய அந்த அணியில தமிழக வீரர்கள் இல்லை என்பது என்னுடைய. अपनी इस मांग के बाद विधायक ने उम्मीद जताई कि इस पर मुख्यमंत्री और खेल मंत्री कार्रवाई भी कर सकते हैं। आईपीएल 2023 में तमिलनाडु के आर अश्विन, साई सुदर्शन, विजय शंकर जैसे कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी खिलाड़ी चेन्नई टीम में शामिल नहीं है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन किया जा चुका है, लेकिन तब चेन्नई टीम का मैनेजमेंट सट्टेबाजी में लिप्त पाया गया था। वहीं इस पूरे मामले के बीच चेन्नई सुपर किंग्स आज चेन्नई में ही अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है, जब उसका मुकाबला शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस सीजन में अब तक दोनों टीमों ने ही 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2-2 मैच जीते हैं और 1-1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। धोनी के लिए ये मैच भी खास हो सकता है, क्योंकि धोनी चेन्नई के लिए कप्तान के तौर पर आज अपना 200वां मैच खेलने वाले हैं। देखिए एक बात तो तय है कि विवाद चाहे कोई भी हो, लेकिन कुछ भी महेंद्र सिंह धोनी को हिला नहीं सकता। 4 बार चेन्नई की टीम को चैंपियन बना चुके धोनी आज अकेले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने आईपीएल में किसी टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी की हो। कैसा रहा है धोनी का कप्तानी रिकॉर्ड, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि धोनी ने 199 मैचों में सीएसके की कप्तानी की है। इनमें से 120 जो मैच हैं वो टीम ने जीते हैं, जबकि 78 मैचेस में धोनी की कप्तानी में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच बिना किसी रिजल्ट के खत्म हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन के तौर पर धोनी का विन परसेंटेज भी 60 से ऊपर है। इतना जबरदस्त उनका जो रिकॉर्ड रहा है बतौर कप्तान, आज 200वें मैच में धोनी अपनी टीम की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Z News.